नमस्ते दर्शकों, तो मैम आपका नाम क्या है? अभया संत। ओके, तो मैम आप अपने बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, मेरा नाम अभया संत है और मैं डोंबिवली से आई हूँ। अभी ये जो MSME में पार्टिसिपेट हुई हो वो जेप उद्योगिनी की पूर्णिमा मैडम के सहयोग से मुझे ये पार्टिसिपेट करने मिला है। मेरा लावण्या कलेक्शन करके ब्रांड है और मेरे पास अलग अलग टाइप का बैग्स का कलेक्शन है, पर्सेस का कलेक्शन है, वार्ली पेंटिंग का बैग्स है, कॉटन का बैग्स है, जूट, इको फ्रेंडली जूट है और हेम्प बैग्स है। मैं डोंबिवली से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो है वार्ली पेंटिंग का पहले मैं स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत सारे बैग्स थे, फिर अभी कॉटन और इको फ्रेंडली जूट का बहुत सारा डिमांड है और उसका बहुत सारा लोग चाहते हैं कि कॉटन में जाए, तो मेरे पास मैंने अभी कॉटन का और इको फ्रेंडली जूट का कलेक्शन बहुत सारा मेरे पास है। उसमें स्लिंग बैग्स है, पाउचेस है, टोट बैग्स है, बैकपैक्स है, बहुत सारी वैरायटीज़ है और मेरा डोंबिवली में लावण्या कलेक्शन करके आउटलेट भी है। सो मैम, जैसा कि आपने बताया आप पहले वार्ली पेंटिंग्स का करते थे, तो उसको आपने मीन्स आपके बैग में डिज़ाइंस के तौर पे आपने डाला है उसमें? एक्चुअली वार्ली पेंटिंग का बैग का मैं मैन्युफैक्चरर के यहाँ से मैं वो लेती हूँ, लेकिन वार्ली डिज़ाइन बहुत पुराना है और आदिवासी लोग वो बनाते हैं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था वार्ली पेंटिंग में, इसके लिए मैंने वार्ली पेंटिंग का स्टार्ट किया। और मेरा लोगो भी आप देखोगे तो लोगो पे भी वार्ली पेंटिंग का ही मैंने वो डिज़ाइन रखा है। ऐसा वार्ली पेंटिंग का बैग्स का मेरा जर्नी। सो मैम, आपके डिज़ाइंस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगे हैं। सो ये अभी डे टू है एक्सपो का, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक्सपो से, हमारे दर्शकों को बताइए। एक्सपो का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा आया है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत लोगों से मिली हूँ और नया नया कुछ सीख रही हूँ और आगे जाके भी बहुत सीखने वाली हूँ।